आज दिन कुछ स्पेशल लगा धर ले इसने बचा ले के किदा। हेलो एवरीवन, सारा सत श्री अकाल। उम्मीद करता कि सारे तुम ठीक ही होंगे, ठीक ही रहना। मैं कैफी तगड़ तो तुम देख रहे हो कैफी तगड़ ब्लॉग। आज दिन कुछ स्पैशल हैगा। स्पैशल मीनस कि इस ब्लॉग की सूँ एंड तक पता लग जूगा कि स्पैशल हैगा। तो मैं हूँ जा रहा सीगा बाजार के बच्चे कुछ चीज़ परचेज करनी सी, इस करके सूँ थोड़े सैकेंड या थोड़े मिनट तक सूँ पता लग जूगा भी की परचेज कर गया सीगा। तो एंड तक सूँ पता लग जूगा भी की दिन अज स्पैशल। तो बस मैं थोड़े टाइम तक ही निकलागा घर तो, मैं जाऊँगा स्कूटर से क्योंकि बाइक है नहीं, ब्रदर लग गया होगा। तो मतलब बाजार के जाने के लिए सिर्फ मैं 5-10 मिनट लगन गए मे भी, जेकर ट्रैफिक ना हो फिर तो मैं जल्दी पहुँचूँगा। तो उस तो बाद थोड़ा पता लग जूगा इस ब्लॉग के स्पैशल अज, तो सूँ भी लगेगा कि भी हाँ मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो उसू हम ब्लॉग के ही पता लगेगा नैक्सट क्या। हूँ मैं ज़्यादा देरी ना कर दूँ, मैं चलना चाहिए क्योंकि इस वक्त शाम के होने वाले ने कि तकरीबन 5:45 हो चुके ने गे इस वक्त, क्योंकि टाइम भी लग सकता मैनू बाजार के। स्पैशल की आ सू इस ब्लॉग की एंड तक पता लग जूगा। ज़्यादा मैं भी वड्डा ब्लॉग नहीं बनूंगा, छोटी बनूंगा 5-6 मिनट का। तो फिलहाल ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं चलना चाहिए वा। मैं स्कूटर से ही जाऊँगा फिलहाल, तो नाल नाल जाएंगे मेरे मम्मी। तो तकरीबन सूँ 10 मिनट लगन गए बाजार जाने लिए, तो मम्मी भी आ गए सके। तो बस हम चल देंगे बाजार च, तो कुछ चीज़ परचेज करके लेके आनी है नहीं इस करके। केक मिल जूगा कि 300। ओके के वाला होर। ओके मैं इस वक्त केक पसंद कर रहा सीगा, तो लास्ट थोड़ा टाइम लग रहा मैं जो मोस्टली आ भी पे ने, तो इधर ही पे ने थोड़े मैनू पसंद नहीं आ रहे फिलहाल। तो उधर मुंडा लभ रहा है होर केक वाले, काफ़ी पे ने गए तो केक ले रहा। ये देखते किदा का केक है खड़े वाला मैं ठीक रहू, मैंने वही चक रहा। ओके फाइनली मैं केक पसंद कर लिया, तो हूँ थोड़ा तो नाम लिखावे कि नाम लिखना गा वो मैं खुद ही लिख देना जो तो मैं लिखवा लूँगा। तो फिलहाल इस वक्त खड़िया गए शॉप के बिच में जी यू आर। ओके फाइनली मैं केक ले लिया, तो चलते हूँ नैक्सट शॉप से क्योंकि उरे में थोड़ा टाइम लग गया सीगा इस करके। किन्ने बजे आवां फिर मैं मुड़ के 7:30 बजे आवां, 7 बजे आजा फिर मैं। चल ठीक मैं 7 बजे आऊँ ठीक है। ओके फिलहाल मैं हूँ खाना है सीगा टिक्की। ओके गाइस मैं आया सी हूँ टिक्की खान, मैं ते मम्मी मम्मी भी उधर आ रही सी, तो बस हम टिक्की खा लिया गए। यानी कि पूरी दिन बहुत ही मशहूर है टिक्की आ गई, तो बस खाने गए सी। तो मम्मी ने तो बस थोड़ी जी खानी हैगी, तो फिलहाल खाने फिर टेस्ट दिसा तुम बाद। बहुत ही टेस्ट टिक्की है इन्हों का, तो अज भी खा रहे खाने फिर बार तुम बाद मिल जाता। मैं गोलगप्पे भी ले ले सके घर वास्ते, तो बस हूँ चल देंगे घर को। तकरीबन 10 मिनट लगन गए जाने। इस वक्त लगे हुए फाटक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ट्रेन बस आ रही है इधरों, तो हाल इस वक्त खड़ा सी मैं फाटक लगे हुए तक खड़ गया सी। तो फिलहाल तो मैं वेट कर रहा भी 1-2 बजे ट्रेन थी फिर चलिए घर। ओके फाइनली फाटक खुल गए ने, बस चल देंगे। ओके गाइस मैं आ गया घर, तो 10 मिनट लगे ने घर आने लिए क्योंकि उत्थे फाटक लग गए थे कि मैं थोड़ी थोड़ी देर हो गई सी, तो हूँ ही हाले घर आएगा। तो इस तो बाद मैं फिर जावगा तकरीबन 7:30 मैं फिर वापस जावगा, तो कुछ समान होर लेके आना है। मैं रखता केक न
फ्रिज दे विच क्योंकि ये मेल्ट ना हो जाए इस करके। केक नू फ्रिज दे विच रखता सीगा ते थोड़े टाइम तक आई थिंक 7:30 बजे फिर जाऊँगा बाजार च ते कुछ समान खरीद के लेके आना फिर वो खरीद के लेके आवांगे। तो जा रहा है मार्केट के बजंकी बाजार के थोड़ा जहा मैनू फिर काम हो गया दस गया ठीक है हूँ ही मैं तो इस वक्त बज चुके हैं 7:30 हो चुके हैं मोस्टली मैं अद्धा घंटा लग जूगा जिते मैं हूँ जा रहा है तो उस ब्लॉग के पता लग जूगा की हैगा तो मैं हूँ फिर दोबारा तो स्कूटर से जाऊँगा तो इस करके तो उदू पहले जो काम करके हूँ तक ब्लॉग देख लियो मैं केक लैके आया बट दूसरे काम भी गया उदों हूँ तक ब्लॉग देख लियोगा कि मैं लैन गया उस समय तैयार नहीं होया जो मैं लैन गया सी दाल सब्जी तो इस करके तो मैं हूँ दोबारा तो जावगा मार्केट जिससे क्योंकि उन्होंने मैंने 7 बजे कहा लेकिन मैं अद्धा घंटा लेट ही जा रहा क्या बार थोड़ा लेट भी हो जाता तो इस करके तो हूँ मैं जा रहा तो मोस्टली मैं अद्धा घंटा लग जूगा तकरीबन जाने बाद परचेज कर तकरीबन 8:15 मोस्टली हो जाएंगे तो हूँ मैं चलना चाहिए जल्दी जल्दी क्योंकि इस वक्त शाम भी हो चुकी है कि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट के बीच। फिलहाल मैं सारा समान ले लिया सीगा जो भी चाहिदा सीगा ते बस चलते हूँ घर नूं तकरीबन लगनगे 10 मिनट फिलहाल जो ट्रैफिक ना होया तां फटक लगे पैने जिन्नी बार मैं उरे आना गा हमेशा फटक लगे जे लगे तो मैंने हूँ होर पास दी जाना पौगा नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हूँ खड़े ने भी 5 मिनट हो गए थे तो बाकी चल देंगे होर पास दी करे तो जो समान सेगा वो मैं लिया तो मोस्टली जो केक लैके आया गया एक तो लैके आया शाही पनीर तो एक लैके आया मिक्स वेज दोनों ले आया तकरीबन मैं सिर्फ अद्धा घंटा लगे क्योंकि बाजार के बहुत ज़्यादा भीड़ सी इस करके मैं स्लो आया कि फाटके भी लगे पे थे तो इस करके थोड़ा लेट हो गया। ओके एवरीवन ये सारा इस करके तैयार हो गया क्योंकि अज है मेरा बर्थडे तो सारा कुछ मैं इस तरह किया क्योंकि हम मेरा ब्रदर से उन्होंने मिसेज परविंदर दोनों संगरूर तो थोड़ा लेट आया इस करके तो मैंने सारा काम मैंने ही करना पै गया मैं जो ज़्यादा लेट हो गए फिर बहुत जल्दी क्योंकि फिर तो 9 या 10 बज जाते तो इस करके मैं थोड़ा जल्दी किया सारा कुछ मैं खुद ही किया इस वक्त परविंदर केक की थोड़ी सैटिंग कर रही हैगी तो नाम भी लिखा मेरा उत्थे गुरप्रीत गुरप्रीत भी है कैफे तो सिर्फ मेरे एक निक नेम हैगा तो जो कि मैं ब्लॉग के बच्चे भी दिता होगा तो नैक्सट की आप केक कटा तो सारे हम फैमिली वाले आ गए थे तो सिर्फ 10 मिनट लगन गए सूँ केक कट्टन के लिए उस तो बाद खावे खाना जो लैके आया लाल फोन कटा केक क्योंकि क्यों इस करके थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि थोड़ा इस करके लेट हो गए थे क्योंकि परविंदर के हर के थोड़ा लेट आए थे तो क्योंकि थोड़ा मैंने भी काम से हूँ तक ब्लॉग में देखकर सब कुछ लैके आया तो मतलब हर दिन तो लेट हो गए फिर वह कोई फायदा नहीं है तो फिलहाल इतने इस वक्त केक लिया हरपी चला रहे इस वक्त कैंडल पक्का बंद करना
ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਗਾਈਸ ਫਾਈਨਲੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਆਗਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ 8:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਧਰ ਲਏ ਇਸਨੇ ਬਚਾ ਲਏ ਕੇਕ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਕਰੋ।